कटारिया ने साई केतन को दे दी है वार्निंग, अगर वहां पर अरमान मलिक नहीं रहते तो इनके बीच में धमासान लड़ाई होने वाली थी। पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर साई केतन और अगर लव कटारिया में लड़ाई हुई फेस टू फेस तो आखिरकार सही कौन होगा, गलत कौन होगा और कौन किसको पछाड़ेगा, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं तो प्लीज बताइए और जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। अब जो है जब मतलब कि राउंड खत्म हुआ तीसरा, तब उस वक्त लव कट जो साई कहते हैं ना, वो इतना बुद्धू है, उसकी बुद्धू बनती जो है मुझे दिखाई दे चुकी है। वहां पर बोल दिया कि मैं यहाँ पर इस टास्क में जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे, ज्यादा बीबी करेंसी रहेगी, उसको अपनी बीबी करेंसी खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लेनी पड़ेगी। तो अगर किसी को किसी के ऊपर खुंदक निकालनी है और वो मैनेजर बन गया है तो वो उसको 5 लाख रुपया भी दे सकता है कि भाई तू तो पूरा का पूरा घर का काम कर ले। पर यहाँ पर जो है जैसे साई केतन आया वहाँ पर, तो साई केतन को 1 लाख रुपए दे दिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने ये किया, मैंने और भी किया, मुझे दो और भी दो। तो फिर हंसने लग गया लव कटारी और बोला कि भाई ले 1 लाख रुपए और ले। तो 2 लाख रुपया दो पेटी जो है दे दी साई केतन को। बेवकूफ को पता नहीं चला कि भाई मेरे को कम करवाने हैं पैसे, मुझे ज़्यादा नहीं लेने हैं पैसे। तो बेवकूफ़ी है, दिमाग टेम्पर हुआ है, गुस्सा निकालना है तो अपना लॉस जो है वो करवाना है, साई केतन ने करवा लिया। पर यहाँ पर एक बात हुई कि साई केतन ने जो है यहाँ पर बात करते करते मैनेजर लव कटारिया का सर पकड़ा ऐसा करके, तो उसी चीज़ के ऊपर गुस्सा भी आया और उसी वक्त जो है लव कटारिया ने बोला कि भाई थोड़ा दूर रह के बात कर, मैनेजर के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। उस वक्त तो दूर हो गया पर उसके बाद जो है अंदर जाके यही बात बोली लव कटारिया, वहाँ पर थोड़े मिसअंडरस्टूड हो गए, जहाँ पर लव को लगा कि मुझे धक्का मारा गया है कि भाई तू मेरे को धक्का नहीं मार सकता, इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तो इसने साई केतन ने बोला कि मैंने भाई तेरे को धक्का नहीं मारा, मैंने जस्ट इस तरीके से तुझे टच किया था। तो वहाँ पर इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आ गए हैं अरमान मलिक। अरमान मलिक ने बोला कि हाँ लव, इसने तुझे धक्का नहीं मारा है, इसने तेरा फेस ही पकड़ा है। तो वहां पर बात हो रही थी कि तू मेरे को धक्का तू मारने के लिए आ गया, तो साई ने बोला कि भाई मैं मारता नहीं हूं। तो वो बोला कि तू मार भी नहीं सकता, वो बोलता मैं मारूंगा भी नहीं। तो इनके बीच में झपट लग रही है और हालांकि यहां पर थोड़े मिसअंडरस्टूड हो गए थे लव कटारिया, पर सही बात है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा बुद्धू है जो साई केतन है, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और इतनी सारी ड्यूटीज अब उसको करनी पड़ेगी। अपना तो लॉस करवाया और किसी का थोड़ी ना करवाया, क्या कहते हैं आप लोग, कौन जीतेगा? अगर डिबेट हुई, बात हुई, आखिरकार कौन जीतेगा? बुद्धू तो ये है ऑफ कोर्स लव कटारिया। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।